A very, very, very warm good morning, my lovely children. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, I welcome you all to today's session. Good morning, everyone. Yes, so there we are. Good morning, good morning, good morning, my lovely children. So good to see you all. And let's start एक relatively easy दिखने वाला पर एक बहुत important और minor details वाला, because सारे questions आते हैं आपकी NCERT से. So get your NCERTs out और ये देखिए, ये जितनी भी marking हो रखी है, ये all of this needs to come into your NCERT. Welcome to a legit lit session. ये चैप्टर दिखता बहुत इजी है, इसीलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो ये तो इजी टॉपिक है, नॉट रियलाइजिंग दैट इससे डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं और वो हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाले होते हैं. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. वन शॉर्ट, सिंगल शॉर्ट लेक्चर, आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे. दोज ऑफ यू who are on Instagram already, अब आपको Instagram से de-addict करवाने आ चुका है Vedanta Biotonic. So when you follow this channel, रोज के रोज आपके लिए quizzes, रोज के रोज आपके लिए extra information वाले diagrams जिनपे questions, all of this is now happening on Instagram, जो किसी ने सोचा भी नहीं था. Yes, everybody. So all of this is happening on Instagram to make sure that you stop wasting your time on Instagram and you start studying. You can also get in touch with me officially through one of the safest Telegram channels, jiska naam hai Biotonic for NEET. So get in touch with us on Biotonic for NEET and make sure that all your problems get solved. 11th board and NEET ke liye aaj ek surprise test hai jiska syllabus ye raha. तो ये वो टॉपिक्स हैं बॉटनी के, विच वी ऑलरेडी कवर्ड. शार्प एट 5 o'clock मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम कर चुके हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस हम कर चुके हैं और रेस्पिरेशन हम कर चुके हैं. सो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी डन, वी फिनिश्ड इट ऑफ एंड नाउ इज द टाइम टू टेस्ट आवर नॉलेज. सो 50 क्वेश्चंस मेगा टेस्ट. एंड रही बात मंडे की, तो आप दैट इज Tomorrow, 29th, the second last day of November, आपने मैंने नवंबर में जो भी पढ़ाया है वो आप पढ़कर आओगे. डन डन डन. से यस मैम. नवंबर में मैंने जो भी पढ़ाया है वो आप पढ़कर आएंगे. और मंथली मेगा रिविजन, फुल सिलेबस ऑफ नवंबर, 100 एमसीक्यूज वाला टेस्ट इज ऑन मंडे 10 AM एंड मंडे 5 PM. डन. 100 MCQs, ecosystem, CBSE 12th board, NEET 2021 के लिए आज शाम को हम मिलेंगे ecosystem करने के लिए. 9 PM we are launching the board exam series, the pre-board exam series. Make sure each one of you is liked, make sure each one of you subscribe and become a part of We Biotonic. Don't forget to join our Telegram group at Biotonic का, Biotonic for NEET. Crush it. Class के बाद आपके menti.com के MCQs भी हैं आज. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से बढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड कैसे उसकी एप्लीकेशन से हम वैक्सीन्स बनाते हैं, ऑल दीज सुपर अमेजिंग थिंग्स हम बनाते हैं, लेट्स डू दैट. सो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स आर इंप्लॉयड टू क्रिएट इंप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी लेकर आ सकते हैं. तो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट द प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म्स. लाइक रोजी इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हुज गोइंग टू गिव यू अस अल्फा लैक्टालब्यूमिन. सो वी डू गेट इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, वी डू प्रोड्यूस इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर रेफर्ड टू एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स. दे आर देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, यस और नो? They are there for the benefit of human beings. अगर आप अपनी NCERT के पेज नंबर 208 पे आएंगे, तो NCERT के पेज नंबर 208 में आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नजर आ जाएगा. सेकेंड पैराग्राफ में हाईलाइटेड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल्स. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स, जिनकी जीन्स ह्यूमन बींग्स ने अपने लिए मॉडिफाई कर दिया, आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हु आर गोइंग टू गिव यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स.
इट डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी चीज आप बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके कर रहे हो, आप छोटी क्वांटिटी नहीं बना सकते. यू कैनॉट बी मेकिंग कर्ड और योगर्ट एंड से ये तो बायोटेक्नोलॉजी है, बिकॉज इट नीड्स टू हैव इंडस्ट्रियल स्केल. राइट, इट्स नॉट ब्लरिंग. एक बार कर लीजिए रिफ्रेश. इट हैज टू बी लिखिता इज एब्सोल्यूटली राइट. सीएचएल इज एब्सोल्यूटली राइट. इट हैज टू बी इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन. Pharmacies, like for example, we're going to be producing millions and billions of vaccines, biopharmaceutical, biological products using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. और ये चारों क्या कहलाएंगे? They are going to be the genetically modified organisms. तो आज आइए आप blue biotechnology, green biotechnology, white biotechnology, favorite MCQs हैं. Blue biotechnology is marine and aquatic sector like prawns, shrimps, oyster culture. Pink tada se oysters se pearl bante hain. That is referred to as the blue biotechnology. Medical sector, for example, we are all struggling to make the COVID-19 vaccine. That is the red biotechnology. Agricultural sector, when you use something like BT cotton, BT brinjal, right? When you use something as simple as flower saver tomato, that is referred to as your green biotechnology. Jaya, when you use a variety of rice known as Jaya, that is referred to as green biotechnology. And industries mein jo biotechnology use hoti hai, that is referred to as the white biotechnology. So these are the four parts of biotechnology. Make sure each one of you remembers them. Jaya, Ratna, Pusa Swarnim, Pusa Kranti, Golden Rice, all of these are various parts of biotechnology. Distilled water clear? Chalo, to ab hum isi ko aur zyada detail mein padhkar karte hain. Let's do that. Let's move ahead and let's do it in a lot of detail. Biotechnological applications in agriculture. Kaise agriculture mein hum biotechnology ko apply karte hain? सबसे पहले आ जाइए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बिकॉज एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट क्रॉप्स. सो व्हाट आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन मैनिपुलेटेड जेनेटिकली आर कॉल्ड द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. राइट, एमसीक्यू. जिनको, जिस भी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट को, एनिमल को, फंगस को, माइक्रोब को अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है तो हम उसको क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. They can be plants, animals, fungus or microbes. GMO plants contain and express one or more useful, desirable foreign gene. उनके पास कोई तो foreign gene होनी चाहिए. For example, tomato के पास हम antisense RNA technology से एक ऐसी gene डालते हैं जिसकी वजह से it does not ripe. For example, cotton के अंदर, brinjal के अंदर हम bacillus thuringiensis की gene डालते हैं जिसकी वजह से, BT की वजह से वो cry gene बनाता है, because of which it becomes pest resistant. So these genes, the foreign genes that we incorporate are referred to as the transgenes. Tuesday, you will also have a mega, mega biotechnology test, क्योंकि हमारा biotechnology खत्म होने वाला है. So it is called the transgene. Genes incorporated into an organism's genome. Transgenic plants are the plants which are expressing the product of transgene. वो plants जिनके अंदर transgene आ गई है और वो उसके product को एक्सप्रेस कर रहे हैं. पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जीन डाल दी, ये एक्सप्रेस कर रहा है, इज रेफर टू एज अ ट्रांसजेनिक प्लांट. राइट राहुल देसाई, डन. तो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लेने चाहूंगी यहां पर बीटी कॉटन का, जिसके ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं. आ जाइए आप बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस. सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसके ऊपर आते हैं. मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी साथ के साथ मार्क करवाने वाली हूं. तो आप आ जाइए पेज नंबर 208 ऑफ योर एनसीईआरटी. सबसे इंपॉर्टेंट है ये. प्लीज कम टू पेज नंबर 208. अब मुझे बताइए, लेपिडोट्रिन्स का एग्जांपल दीजिए मुझे. चलिए, ये एनसीईआरटी को उठाया मैंने. ये प्योर आपका एनसीईआरटी कॉर्नर है. अगर आप प्लांट्स की बात कीजिए, और ये पेज नंबर 208 ऑफ योर एनसीईआरटी कॉर्नर है, अगर आप प्लांट्स की बात कीजिए तो टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म इज रेफर्ड टू एज लेपिडोट्रिन्स. अगर आप फ्लाइज, मॉस्किटो की बात कीजिए, दे आर रेफर्ड टू एज डिप्टेरन्स. राइट और रॉन्ग? यस और नो? कॉलिट्रन्स में आते हैं आपके बीटल्स. इज योर बीटल
बीटल्स और डिप्टेरन्स में आते हैं आपके फ्लाइज, मॉस्किटोज, मोस्ट ऑफ देम आर बिग, वेरी वेरी बिग प्लांट पेस्ट. ये प्लांट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दे आर पेस्ट. ये तीन पॉइंट्स याद रखिए, वन एमसीक्यू, सेकंड डिप्टेरन्स एमसीक्यू, एंड थर्ड इज योर बीटल्स विच इज एमसीक्यू. तीन आपके डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट 1 2 3, मतलब ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है. डन. अनास बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, डिस्टर्बेंस गाइज, इज दैट क्लियर? अब आपके पास एक बैक्टीरिया आ गया जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस. क्या नाम है बैक्टीरिया का? बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, जिसने एक टॉक्सिन बना दिया जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन. वो इंसेक्ट्स को किल करता है. किस इंसेक्ट को किल करता है? टोबैको बडवर्म एंड आर्मीवर्म, जो कॉटन को और मेज को बोर कर देता है. कोलियोट्रिन्स डिप्टेरन्स को किल करता है, राइट? ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, ये एक इनएक्टिव टॉक्सिन से पहले वाला, विच इज रेफर्ड टू एज प्रो, विच मींस बिफोर. सो इट प्रोड्यूसेस अ इनएक्टिव protoxin. Write this down and remember it. So it produces inactive protoxin. This protoxin needs to be activated. It needs to be activated. For example, you get Maggie from the market. The Maggie which you get from the market is inactive. You need to break open the Maggie packet. You need to put it in water, light the gas, and then it starts to get active, and you get, within 5 minutes, you get the Maggie. So, ये जो प्रोटॉक्सिन है जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस के पास है, which has the ability to kill certain worms, is inactive. अगर ये, you know, gut of the insect में चला जाएगा, अगर बडवर्म इसको खा लेगा, अगर बीटल इसको खा लेगा, अगर फ्लाइज ने इसको खा लिया, तो गट में एल्कलाइन पीएच के वजह से इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू व्हिच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. पेज नंबर 208 की सेकेंड लास्ट लाइन है, इट इज अ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. अब ये जब एक बार टॉक्सिन में बदल जाएगा, ये टॉक्सिन जो है, लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चार्ट, ये सेल्स ऑफ गट में होल्स कर देगा. सो जब ये एक्टिव हो जाएगा, इट विल मेक होल्स इन द सेल्स ऑफ द गट, बिकॉज ऑफ विच द सेल विल अंडरगो लाइसिस, सेल फट जाएगा और द इंसेक्ट विल डाई. वेरी नाइस जानवी पांडे. सो लेट मी टेल यू, एक बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, उसके पास एक इनएक्टिव टॉक्सिन है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव होता है जब कोई इंसेक्ट बीटी टॉक्सिन को खाता है, बिकॉज ऑफ द क्राइजीन इट रिएक्ट्स विद द alkaline pH of the gut. It will react with the alkaline pH of the gut and convert it into an active toxin. Human beings बहुत षड्यंत्रकारी होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं. उन्होंने बीटी जीन निकाला और क्रॉप प्लांट्स में डाल दिया. तो जब ह्यूमंस खाएंगे, बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम विल इट नॉट अफेक्ट ह्यूमंस? नो, बिकॉज इट कैन ओनली रिएक्ट विद द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट. सो इन्होंने इसको निकाला, बीटी जीन को, क्रॉप प्लांट्स में डाल दिया, और अब जो बीटी है उसके पास क्राइवन एसी और क्राई टू एबी जीन है, और क्राइवन एबी जीन है. तो क्राइवन एसी और क्राई टू एबी एल्कलाइन पीएच ऑफ कॉटन बॉल वर्म के साथ अटैक करके कॉटन बॉल वर्म के गट के सेल्स में छेद करके उसको उड़ा देगा, मार देगा. एंड क्राइवन एबी विल गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉर्न बोरर, कॉर्न में जो छेद करता है, मेज के क्रॉप को जो डिस्ट्रॉय करता है, कॉर्न में जो छेद करता है. ये जो लास्ट लाइंस है आपकी, ये मैंने पेज नंबर 209 ऑफ एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ से उठाई है. आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस पेज, बीटी पे कोई भी एमसीक्यू नहीं आ सकता, बट इसको जरूर याद रखिएगा. लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 209 ऑफ योर एनसीईआरटी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोना मेक अ हैंडमेड माइंड मैप एंड आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. बहुत इंपॉर्टेंट, एक हैंडमेड माइंड मैप मैं बनाने वाली हूं. बहुत सारे नेमेटोड्स होते हैं,
नेमेटोड सॉइल में रहते हैं. दे आर सॉइल पैरासाइट्स. फॉर एग्जाम्पल लेट अस नेम वन नोन एज मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा. इनकॉग्निटा का मतलब ही होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना. सो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम, वी कॉल इट इनकॉग्निटा. कॉग्निशन इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समबडी. व्हेन यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज यू मिट्टी में छुप के बैठे हुए हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज इनकॉग्निटा. प्लीज कॉपी दिस डाउन इन योर कॉपीज. What you do is you will see something called RNA interference. That means अगर ये road है और ये आप अपनी bicycle पे, how do you make a bicycle, something like this, या आप अपनी cycle चला रहे हैं और cycle पे कहीं जा रहे हैं, या आपकी bike या cycle है और बीच में suddenly you know एक block आ जाता है, road का block, you cannot obviously cross it. That is a interference in the road. That is a interference. या ब्रिज पार करना है, वो ब्रिज टूट गया है, यू कैन नॉट क्रॉस ओवर. सिमिलरली अगर ये टोबैको प्लांट है, लेट मी टेल यू व्हाई डिड दे डू दिस इन टोबैको प्लांट, इज बिकॉज टोबैको हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स. One of the most important cash crops जिसे पैसा मिलता है, इस टोबैको. सो ये टोबैको की roots है. And now this is Meldogyne incognita जो छुपके ताक लगा के मिट्टी में बैठा हुआ है. So this is your MG Meldogyne incognita and that is the tobacco plant. So let me write this down as a tobacco plant. Now humans are so smart. See what they did. So this Meldogyne incognita is going to send a RNA through the roots into the plant. जो RNA इस plant में जाके इससे protein synthesis करवाएगा. Right everybody, जो RNA, तो सबसे पहले ये Meldogyne incognita क्या करेगा, ये एक RNA बनाएगा, वो RNA tobacco plant में जाएगा और tobacco plant में जाकर protein synthesis करवाएगा, which is useful for the Meldogyne incognita के लिए useful होगा वो वाला protein. वो protein इसके लिए यूजफुल होगा. सो प्लांट इज बेसिकली हाईजैक्ड. हाईजैकर्स क्या करते हैं, हाईजैकर्स यही तो करते हैं. हाईजैकर्स कहते हैं कि यार अब मैं जहां बोल रहा हूं, पायलट को ऐसे करेंगे और बोलेंगे वेयर आई एम टेलिंग यू, इस फ्लाइट को वहां लेके जाओ. यस और नो हाईजैकर्स? तो इन अ वे द Meldogyne incognita has hijacked the tobacco plant. क्योंकि Meldogyne incognita ने RNA बनाया, वो RNA tobacco plant पे गया, tobacco plant से protein synthesize करवाया, which is useful for the Meldogyne incognita. So the tobacco plant is working like a factory, but not for itself. It is working like a factory for the Meldogyne incognita. हो जाए like, share, subscribe मेरी screen पे. चलिए फटाफट everybody, did you understand this? Got it Ritik? कितने बच्चों को समझ में आया मुझे पता चलेगा, but each one of you is going to make sure that you there is a like, share, subscribe. Done? Yes everybody, मेरे चुन्नू मुन्नूस. तो इनको आपकी एनसीईआरटी ने, जो ये आरएनए दे रहा है, इसको आपकी एनसीईआरटी ने 209 की लास्ट लाइन में लिखा है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स. आप अपनी एनसीईआरटी ओपन तो करो मेरी क्लास में. इसमें लिखा है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स. आई वांट यू टू ओपन योर एनसीईआरटीज इन माय क्लास. कम ऑन चुन्नू मुन्नूस, इट इज रिटन एज नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स. डन? यस. अब ये तो ह्यूमन बीइंग तो सबसे स्मार्ट है. अब आरएनए, व्हाट डिड द ह्यूमन बीइंग सॉ? ह्यूमन बीइंग स्मार्ट है, इसके लिए हम इसके सींग बना देते हैं. बड़ा स्मार्ट होता है ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट लल्लू. तो इसने देखा कि ये आरएनए दे रहा है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट हैज अ पोलैरिटी. आई हैव टॉट यू दिस, 5' to 3'. अगर ये एमआरएनए हुआ, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड जो जा रहा है. तो इसने वो देख लिया, ओके ये आया आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड इसने आर्टिफिशियली कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए बनाने वाली जीन्स टोबैको प्लांट को दे दी. Did you understand that? इसने आर्टिफिशियली कॉम्प्लीमेंट्री बनाने वाली जीन्स आरएनए को दे दी. सो अब इस टोबैको प्लांट के पास एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की जीन्स आ गई. कॉम्प्लीमेंट्री किसके कॉम्प्लीमेंट्री? इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन के कॉम्प्लीमेंट्री. तो इफ आई हैव टू मेक अनदर माइंड मैप,
नेमेटोड बेचारा अपना काम करवाने के लिए एक आरएनए बनाकर दे रहा था, बट प्लांट इज वेरी स्मार्ट. प्लांट ने इस आरएनए को चुप करवाने के लिए, टू साइलेंस दिस आरएनए सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट, इट मेड वन मोर कॉम्प्लीमेंट्री जीन. देयरफॉर द आरएनए टर्न डबल स्ट्रैंडेड. दिस इज मेड बाय द प्लांट because human beings introduced, this is made by the nematode. So the RNA of the nematode became double-stranded. The plant played double game with the nematode. Ye nematode ka RNA aaya, plant said, ye le. It is like, you know, you've seen those Ramayana Mahabharat, ek arrow yahan se aa raha hai, ek arrow, and both the arrows meet in the middle and psh. So that is exactly what the plant did. That is referred to as RNA interference. So now the nematode cannot attack the tobacco plant because tobacco plant ke paas wapas attack karne ke liye RNA hai, like the boom which happens. So did you understand this? Did you understand? So the point is, what happened is, if you come to page number 210 of your NCRT, iske badle mein kya hua? That the parasite could not survive in the tobacco plant. Tobacco is a really big industry. So because it's a very important cash crop, it was made capable to protect itself. उसने अपने आप को बचा लिया by making a complementary RNA to the nematode. RNA बन गया double stranded and it saved itself. That is referred to as RNA interference. This is a very important point for your MCQs. मेरे लोग आएंगे, incognita comes, nematode comes, double stranded RNA comes, complementary RNA डाल दिया जिसकी वजह से double stranded RNA बन गया. ये है आपका RNA interference. अगर आप page number 210 में figure 12.2 पे आएंगे, उसकी first line में आपको dsRNA नजर आ रहा है. First line of page number 210, 12.2, first line. You will. So did you understand? Right? And uski last line mein ek word hai. Last line mein ek word hai novel mechanism. Sabko dikh gaya. I want you to find out this word on page number 210 of your NCRT. Below the diagram on 12.2, I want you to see a word called novel. This is a new technique. This is a new technique. It has never happened before. That is why it was referred to as novel. It is a new technique. So did you understand? Can I erase this? Make this mind map. Please make this mind map. The word novel means it's a new technique. Now you answer this question. The genetically modified brinjal in India has been developed for drought resistance, mineral content, shelf life, insect resistance. But mujhe answer comment section mein chahiye. Aur mujhe ek answer chahiye. Name at least ki favorite question hai. Jo bhi isme hai, वैसा मुझे 5 मोर क्रॉप्स बताओ जिसमें ये किया हुआ है. नेम 5 मोर क्रॉप्स. चलो, तो मेरे 3 आंसर्स मुझे चाहिए. मुझे यहां आंसर नहीं चाहिए, यहां पे आंसर नहीं चाहिए, मैं नहीं पढ़ पा रही हूं. 5 मोर क्रॉप्स. और सेकंड चीज जो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है. नेम द कॉर्पोरेशन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, इसका वर्ड एम से शुरू होता है जो ये सारा ब्रिंजल जैसे प्लांट्स बना रही है. नेम द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम द क्रॉप फॉर मी. 5 मोर क्रॉप्स एंड नेम द ऑर्गेनाइजेशन. अदर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस भी हम पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हीरोडिन इज एन एंटीकोगुलेंट जस्ट लाइक हेपेरिन. हेपेरिन, हिस्टमीन, सेरोटोनिन प्लाज्मा सेल्स रिलीज करते हैं. उनमें से हेपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट. सबको पता है ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देती है. सिमिलरली आप सबने लीच को तो सुना होगा, लीच हैज टू सक ब्लड सो इट हैज अ एंटीकोगुलेंट. लीच के पास भी एक प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए एंटीकोगुलेंट होता है. This gene is taken out from leech. See how much human beings have developed. इस जीन को लीच से बाहर निकाल दिया और इसको ब्रासिका, सरसों फैमिली होती है ब्रासिका. सो इस जीन को बाहर निकाल के फ्रॉम द लीच इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रासिका नैपोस. सीड्स ऑफ द लैटर केम टू हैव हीरोडिन. तो ब्रासिका की जो, आप सरसों को अगर पीसोगे तो उसमें से सरसों का तेल निकलेगा, बट अगर सरसों के पास ब्रासिका की जीन होगी तो आप उसको पीसोगे तो हीरोडिन. सरसों के पास अगर हीरोडिन की जीन होगी, हीरोडिन विल कम आउट. इट वॉज एक्सट्रैक्टेड, purified and used as a medicine. It can be an anticoagulant. Blood banks may otherwise, hirudin can be used as an anticoagulant.
फ्लावर सावर टोमेटो. एक जीन है पॉली गैलेक्टो यूरिनेज. ये जो जीन है ये फ्रूट्स में राइपनिंग करवाती है, राइपनिंग पका देती है. एक जीन है, तो जीन में क्या होता है, इस जीन में आरएनए होता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन और ये फ्रूट्स को राइपन करवा देती है. ब्रेक्स द सेल वॉल्स मिडल लैमेला और ये जीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवा देती है. कभी मम्मी ने आपको टमाटर लेने के लिए भेजा है, सबकी लाइफ में हुआ होगा, इट्स अ यूनिवर्सल एग्जांपल. और आप बाय चांस इधर उधर फोन पे लगे हुए थे, देख रहे थे और भैया जी ने टमाटर अपने आप डाल दिए. घर पहुंचे, टमाटर था 90 रुपए किलो और उसमें थे 3 टमाटर पिचके हुए बिल्कुल सॉफ्ट. फिर मम्मी ने बेलन उठाया और दे धनाधन. यस और नो, आपके ध्यान तो था नहीं. मम्मी कहती जल्दी जाओ टमाटर नहीं है घर पे, बेटा जल्दी जाओ बाजार से फटाफट जरा नीचे से टमाटर ले आओ. गए टमाटर लेने, पर टमाटर लेने में तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो और बाजार देख ले, इधर उधर देख ले क्या हो रहा है. भैया बोल भैया आधा किलो 90 रुपए, इतना महंगा करते हैं हम लोग सब बेचारे किसानों के साथ. लेकर आ गए यस, और नाप तो नहीं किया ढंग से, वो तो चलो ठीक है, बट पिसे हुए टमाटर लेकर आ गए फ्लाइंग चप्पल. यस, that is because there is a gene which is referred to as polygalactyl uronase which causes ripening. This decreases the shelf life. Imagine that poor farmer who has 10 acres of farm and there are tomatoes and by chance he has no tractor available that day. He doesn't have the means to take the crop to a market. So, ek din ya do din ka delay ho jayega. So, you can understand, do din mein tomato pichak jayenge. Aap bas mujhe itna bataiye, aap kya pichke huye tomato kharidenge? Will anybody buy those pichka hua tomatoes? No. That is the reason. Pichkana tomatoes ko ripen karna is the work of polygalactouronase. To agar ye polygalactouronase hai. Once again, we're just coming back to the slide. So agar ye aapka polygalactouronase hai. The gene in the middle was polygalactouronase. Aur aapne rokna hai tomato ko. You want to stop it from ripening. This is the gene of polygalactouronase. You want to stop it from ripening. ये polygalactouronase की gene है, ये ripen करवाएगी. Same चीज जो मैंने आपको 2 मिनट पहले इतनी अच्छे से समझाई है, आप इस polygalactouronase की gene को inactive कर दीजिए. एक और RNA बनाकर complementary करके इसको inactive कर दीजिए, which is referred to as RNA silencing. Did you get that, everyone? It is referred to as RNA silencing. So you have the gene of polygalactouronase. You want to stop it from acting. What you want to do is, you don't want it to be over-ripened. Aap usko rok dijiye, RNA silencing kar dijiye. Non-availability of this enzyme prevents over-ripening. Kyunki polygalactouronase hi aapke middle lamella mein se calcium pectate ko mobilize karke ripening karegi. No polygalactouronase, no ripening. Vitamin A is very, very important to produce trans retinal, which is the active form which is required to produce rods in the eyes, which helps you to see in the dark. If by chance beta carotene sari yellow color ki genes mein hota hai, to ye jo beta carotene ki gene hoti hai, which is the pro vitamin. फॉर्म आगे जाके इट इज गोइंग टू फॉर्म विटामिन ए. तो अगर ये बीटा कैरोटीन की जीन आप डैफोडिल्स में होती है, ये बीटा कैरोटीन की जीन्स अगर आप ओराइजा सेटाइवा व्हिच इज राइस में डाल देंगे, इट विल गिव यू 1 कप ऑफ ओराइजा सेटाइवा गोल्डन वाला, जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, विल गिव यू अ मंथ सप्लाई ऑफ विटामिन ए व्हिच इज रेफर्ड टू एज गोल्डन राइस. बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेराइटी ऑफ राइस है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैरायटी ऑफ राइस है, बहुत स्ट्रॉन्ग. अगर किसी ने भी ओराइजा सेटाइवा अपने खेत में उगा लिया, इट विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किल ऑल द अदर वैरायटीज ऑफ राइस. दैट इज व्हाई वी डोंट यूज इट. प्लीज कम टू पेज नंबर 214 ऑफ योर एनसीईआरटी. प्लीज कम टू पेज नंबर 214 ऑफ योर एनसीईआरटी. प्लीज कम टू द 8th लाइन फ्रॉम अबव. देर आर 200,000 वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन इन योर एनसीईआरटी. प्लीज अंडरलाइन दिस इन पेज नंबर 214 इन योर एनसीईआरटी.
200,000 varieties, 27 documented varieties of basmati, 27 documented varieties of basmati. Main hi keh rahi hu, NCERT ka page number 214 keh raha hai, very important. So the most important thing which I want to tell you right here is, please, इसको हम उगा नहीं सकते, इसको हमने बना लिया पर ये लैबोरेटरी में, क्योंकि अल्फा वैरायटी इतना स्ट्रॉन्ग है ये, इट इज लाइक कैप्टन अमेरिका. यस, इट्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट विल डिस्ट्रॉय एवरीबडी एल्स. It's like Thor. It's really, really strong. So therefore, NT ke favorite question hai ye. Do questions bahut baar aaye hue. You cannot grow it because ye alpha rice hai. Ye baaki saare rices ko destroy kar dega. To jo hamari wild type hai, wo destroy ho jayegi. But it has the ability, biotechnologically bana hai. So it has the ability to produce, to give you a lot of extra nutrition. One small announcement and we are moving ahead. One small announcement. आज और कल एक बहुत स्पेशल ऑफर आपके सामने है जहां आपको पूरा इंटायर नीट का सिलेबस करवाया जाएगा. इन केस यू फील मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, बायो तो मैंने बहुत स्ट्रांग कर लिया है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा जब तक स्ट्रांग नहीं होगा शायद मेरी सीट ना आए. मेरे पास कोई तरीका नहीं है टेस्ट देने का, अपनी परफॉर्मेंस को देखने का. मेरे पास बहुत डाउट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स विच डोंट हैव रेजोल्यूशन. आई वॉन्ट टू अटेंड लाइव क्लासेस, कैसे करें. यू हैव एन offer where you can study live with us, study 24/7 doubt resolution ke sath. Theory milega, assignments milega, rank prediction series hongi, MCQs milenge, 10,000 plus MCQs, and you know a lot of help will be given to you. Aur sabse badi baat, aapke jo weekend test hai wo continue honge, right, wo wala chart nahi, right up to your what is it called, jab tak exam nahi hote. So that means jab tak agar May, June, July jab bhi exam honge it will be given. Yahan par price 8,000 hai, but today and tomorrow if you give this you will get 25% off, and the code is the same. 25% off milega at a price of 7,500 rupees. So don't miss this big mega opportunity. और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक के लिए वी विल बी देयर टू हेल्प यू. ये देखिए, आपने सिर्फ ये कोड लगाना है बीटी नीट, 2000 नहीं 2500 ऑफ हो जाएगा और 7500 का मिलेगा, बट दिस इज अवेलेबल ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे. 2500 ऑफ, दिस कम्स टू एज लिटल एज 10 रुपी पर लेक्चर, क्योंकि आपको 120 सेशंस मिल रहे हैं. 60 रुपीज से कम का एक दिन का प्राइस है, आपको 4 आवर्स प्लस एक दिन में मिल रहे हैं. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर पीसीबी, राइट एवरीबॉडी. चलिए आगे चलते हैं और अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो या तीन नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं हर बार. एली लिली, बैंटिंग बेस्ट, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, 21, 30, मतलब ये दो तीन क्वेश्चन सो एवरी सेकेंड ईयर इट विल कम. देखिए बच्चों, पहले हम क्या करते थे, काफ इंसुलिन, पिग इंसुलिन देते थे. But even if you give insulin of a mammal to somebody who's suffering from diabetes, there is bound to be immunological reaction because it is not the same species. It is not the same species. So therefore, my dear children, it is very important to basically get the same species. Ye 12.2.1, page number 210 of your NCERT mein diya hua hai. ह्यूमन इंसुलिन जब हमने बनाना शुरू किया, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम. आज की डेट में हम ह्यूमन इंसुलिन इकोलाई पे बना लेते हैं, बट जब हमने ये बनाना शुरू किया था वी यूज्ड टू बी डूइंग इट ऑन एनीवन. जब हमने ये बनाना शुरू किया था वी यूज्ड टू बी डूइंग इट ऑन ईस्ट. सो ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वी आर्टिफिशियली प्रोवाइड ह्यूमन इंसुलिन टू पीपल हु सफर फ्रॉम डायबिटीज वी गिव देम अ इंसुलिन व्हिच इज रेफर्ड टू एज ह्यूमुलिन. Humulin. Which insulin do we give them? We give them an insulin called Humulin. Please make sure that aap sabke sare bachcho ne ye bahut zyada acche se jitna kuch main yahan likh rahi hu na wo sara ka sara aapki matlab pura table pe aapke notes mein chhap jana chahiye. So ye do chains ka bana hota hai, basically teen chains hoti hai beta, A plus B plus C.
पर ये जो सी है ना ये वेस्ट होती है, ये फाइनल इंसुलिन में नहीं होती, ये प्रो इंसुलिन में होती है. फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी देयर इन योर कॉपीज. डन. सी पेप्टाइड कहते हैं, फिगर 12.3 के साथ पेज नंबर 211 में देखिए. सी पेप्टाइड कहते हैं. डन एवरीवन. सी पेप्टाइड कहते हैं, करेक्ट. और ये फाइनल इंसुलिन में नहीं होती. ये देखिए फ्री सी पेप्टाइड हम हटा देते हैं, फाइनल इंसुलिन में ये नहीं होती है. करेक्ट. सो चेन ए में होंगे 21 अमीनो एसिड्स, चेन बी में होंगे आपके 30 अमीनो एसिड्स, जुड़ के बन गए 51. आपको पता है हाउ डू वी मेक इट? चेन ए हम अलग डालते हैं, चेन बी हम अलग डालते हैं, वी डोंट ऐड देम टुगेदर. तो आधे इक्वलाई में चेन ए बनती है, आधे इक्वलाई में चेन बी बनती है, एंड देन वी गेट देम एंड वी जॉइन देम. आपको पता होना चाहिए दैट व्हेनेवर यू आर मेकिंग अमीनो एसिड्स, मेथियोनिन और सिस्टीन होगा. व्हाई इज मानी मैम टॉकिंग अबाउट मेथियोनिन एंड सिस्टीन, व्हाई टॉकिंग अबाउट इंसुलिन? बिकॉज मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. जनवी पांडे हैज आंसर्ड. और आप दो चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बना देते हो. राइट दिस डाउन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ऑन माई स्क्रीन प्लीज एवरी सिंगल वन? So, आप दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाते हैं. स्ट्रक्चर दिया था बैंटिंग एंड बेस्ट ने. ए में 21, बी में 30 अमीनो एसिड्स ज्वाइन करेंगे डाइसल्फाइड से. एली लिली कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले ए एंड बी को निकालकर ज्वाइन करके इकोलाई में डालकर हमें इंसुलिन बनाकर दिया था. राइट रमेंद्र ऋतिका. चेन ए एंड बी वो प्रोड्यूस्ड सेपरेटली. एमसीक्यू क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी लाइन. एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन व्हिच इज रेफर्ड टू एज ह्यूमुलिन. एनी डाउट्स आस्क मी नाउ. बताओ कोई डाउट है? एली लिली बैंटिंग बेस्ट प्लास्मिड्स ऑल ऑफ दिस इज अ प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन. बताओ क्लियर? यस मैम, एब्सोल्यूटली क्लियर मैम. बता दो क्लियर है? यस एवरीबॉडी. डन. परफेक्ट. चलो आज मेंटी भी आ रहे हैं बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड. वी हैव टू सॉल्व द मेंटी फॉर दिस. राइट. अब हम मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज पे चलते हैं. आपकी चैट तो मतलब भाग रही आगे. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. चलिए आइए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे. गाइस मेंटी आ रही है और मेंटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट आगे चलते हैं हम लोग. ह्यूमुलिन एंड ओ माय गॉड चैट. यस जनवी, चैट तो मतलब आई कुड नॉट रीड इट. ओके, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन पे अब हम पढ़ रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. मैं आपको पहले ये ना ये तो एक और जीन थेरेपी ये तो मैं आपको हैंडमेड माइंड मैम से समझाने वाली. ह्यूमन बींग्स की मतलब शातिरपन का तो ना कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ह्यूमन बींग्स का शातिरपन कितना ज्यादा है. आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते. मैं आपको बताती हूँ छोटी सी चीज से, क्या ह्यूमन बींग कितने तेज होते हैं और क्या क्या चीजें बनाई हैं. अच्छा, कितने स्मार्ट होते हैं. मान लीजिए कैंसर सेल है माइलोमा का. आप सिर्फ सोचो, इसको सुनो, ये कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है जो ह्यूमन बींग्स ने किया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने मेंटी में बहुत क्वेश्चन डाले हैं. डन. ठीक है, आ जाओ. तो माइलोमा एक कैंसर है. अब ह्यूमन बींग क्या करते हैं? ये सेल है माइलोमा का, कैंसर. अब कैंसर की प्रॉपर्टी बताओ, अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन. उगता ही रहेगा, उगता. अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन डिजीज कॉज करता है, बट अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन. तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं? अब ह्यूमन बींग इतने स्मार्ट है, वो इस कैंसर वाली जीन में से, इस कैंसर वाली जीन में से ये है, इसमें से दे रिमूव द बैड जीन्स. जो भी जीन्स बॉडी के लिए अच्छी नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं. पॉइंट नंबर वन. एंड पॉइंट नंबर टू, दे कीप द डिविजन जीन, डिवाइड करने वाली जीन को रख लेते हैं. तो डिविजन वाली जीन को रख लिया और अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन वाली जीन को हटा दिया. गॉट इट? डिविजन वाली जीन को रख लिया और बैड जीन को. अब उनके पास एक एंटीबॉडी है, तो मान लो ये एंटीबॉडी है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, मान लेते हैं. ठीक है मैम, गॉट इट. एक तो इट इज वन ना, ट्यूबरकुलोसिस इज वन, तो इसको कह दो मोनो. मोनो. मैं आपको दो दो चीजें समझाऊंगी, वो भी एक ही चार्ट पे, आप देखते चलो.
हो सकता है एक और एंटीबॉडी हो इनके पास, और ये जो एंटीबॉडी हो इनके पास, ये वाली एंटीबॉडी मम्स के लिए हो, मीजल्स के लिए हो, राइट? हो सकता है सिफिलिस भी डाल दो इसमें, मतलब ह्यूमन बीइंग तो अलग ही लेवल पे पहुंच गए। तीन तीन चार चार चीजों के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, मम्स, मीजल्स, रूबियोला, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग कंबाइन कर दिया। तो यहां पे तो 1 2 3 तीन है, 1 2 3 तीन तीन, तो कैन आई कॉल इट पॉली? इसको पॉली कह लो, एक को मोनो दूसरे को पॉली। यस शिफा, राइट? लवली। एंड शिफा, डू आई हैव द परमिशन टू शेयर व्हाट यू हैव शेयर्ड विद मी ऑन बायोटॉनिक? बच्चों अगर आपने शिफा के नोट्स देख लिए, आपके रातों की नींद उड़ जाएगी, मैं आपको ये कह सकती हूँ। शिफा आप बताओ, अगर आप बोलते हो, अगर आपने शिफा कैसी मेहनत कर रही हो, और देखो मैं ये लाइव यूट्यूब चैनल पे बोल रही हूँ, लाइव, अगर आपने देख लिया शिफा कितनी मेहनत कर रही है, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ। यस शिफा, आप सोच नहीं पाओगे ऐसी मेहनत कोई यूट्यूब पे कर सकता है, आपके होश उड़ जाएंगे इस बात की मैं गारंटी लेती हूं। आई टेक अ गारंटी ऑफ दिस, आई विल पुट इट अप टुमारो शिफा, बट मतलब शिफा की फर्स्ट 100 में रैंक आने वाली है, ये मैं आज कह सकती हूं। दिस इज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बायोटोनियंस आर डूइंग, यू जस्ट हैव टू सी हर नोट्स टू बिलीव व्हाट शी इज डूइंग, फिनोमिनल वर्क, राइट? तो ये है हमारा मोनो और ये है पॉली। जितने भी रेगुलर बच्चे आर इन टच विद यू ऑन टेलीग्राम, आप लोगों की मेहनत इज नेक्स्ट लेवल, एब्सोल्यूटली नेक्स्ट लेवल, मतलब इंस्पिरेशनल मेहनत है, इंस्पिरेशनल। तो बेटा ये रहा आपका सेम, तो आप क्या करोगे इसमें? माइलोमा में आपने ये बैड वाली जीन निकाल दी, लेट मी मेक अ सेम डायग्राम। तो आपने ये बैड वाली जीन निकाल दी, देखो दो बनाते हैं, इसमें से आपने वो डिविजन वाली जीन रख ली, देख लो ये डिविजन वाली जीन रख ली और वो बैड वाली जीन निकाल दी, और उसकी जगह यू आर एडिंग टीबी वाली जीन, टीबी की एंटीबॉडी वाली जीन। यहां आप डाल रहे हो टी मम्स, मीजल्स, सिफिलिस, तीन जीन्स डाल दी आपने। तो क्या ये डिवाइड कर करके तीन टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा? क्या ये तीन टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा? और क्या ये वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा? बिकॉज दिस इज अ हाइब्रिड बिटवीन जीन्स ऑफ डिविजन प्लस एंटीबॉडी विच यू हैव डन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या ये डिवाइड कर करके, बिकॉज ये डिविजन वाली जीन के साथ आपने टीबी की जीन डाल दी, डिविजन वाली जीन के साथ आपने मीजल्स, मम्स और सिफिलिस की जीन डाल दी, सो दिस इज रेफर टू एज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्लोनिंग कर दी ना आपने, अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन वाली जीन के अंदर एंटीबॉडी की जीन डाल दी, एंड दिस इज रेफर टू एज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? ड्रॉपर्स टू टॉपर्स, monoclonal, polyclonal. So copy this down on my screen right now. I want this copied. I want this copied on my screens. On my screens, like this is what I want copied on my screens. Awesome, the blossom. So specific antibody produced from a B cell. बी सेल जो एंटीबॉडी बनाता है उस जीन को आपने निकाला और उसको इमॉर्टल, मतलब वो डिवाइड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि आपने उसको माइलोमा के सेल के साथ फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद वो जो सेल बना उसको कह दिया हाइब्रिडोमा। डन, वो इनडेफिनेटली ग्रो करेगा। देखो जो मैंने आपको सब कुछ माइंड मैप में कहा, वो ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और साथ साथ एंटीबॉडी बनाता रहेगा। डन डना डन प्रिंसी वसुंधरा, वसुंधरा यू हैव टू गो टू vtnt.in/neetcrashcourse एंड यूज द कोड vdneet। डन, इज दैट क्लियर? परफेक्टो, परफेक्टो। जीन थेरेपी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी इज ऑन पेज नंबर 211 ऑफ योर एनसीईआरटी। जीन थेरेपी, राइट? देखिए
बच्चों, कई बार अगर किसी के अंदर एक फॉल्टी जीन होती है और वो फॉल्टी जीन कुछ गड़बड़ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर मुझे वो जायगोट में पता चल जाए, बिल्कुल पेज नंबर 211 में सुचेता, अगर मुझे, बेटा मैं सच बता रही हूं, मैंने आज तक मैंने 20,000 नोट्स देखे हैं, 20,000 नोट्स. और मैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनफैक्ट मेरे पास कई लोग ये भी आते हैं कि मैम हम सच में नहीं सोचते थे कि आप जवाब देती होगी, पर जब आपने जवाब दिए तो मेरे को तब रियलाइज हो रहा कि आप वाकई में जवाब देते हो. मैं दिन के 3,000 या 4,000 टेलीग्राम मैसेजेस, शायद 300-400 इंस्टाग्राम मैसेजेस, और मतलब कम से कम 200 मेल्स वगैरह ये वो का तो जवाब देती हूँ. I do that. It takes me a lot of time and energy, but I do that. But though I've seen all your notes, कई बार मैं hearts बना देती हूँ, smiley बना देती हूँ, आपने देखा है, कई बार मैं audio message भेजती हूँ, कई बार मैं audio video messages भेजती हूँ जो आप pin करते हो, audio messages तो मैं बहुत भेजती हूँ, Instagram stories को pin करती हूँ, correct. But यार एक चीज तो बहुत important है, जो मैंने कल शिफा के notes देखे, that is another level of dedication. एंड इस साल मुझे बहुत बायोटोनियंस में वो डेडिकेशन नजर आ रही है. सो दैट इज हाउ आई रियली सॉ दैट. शेयर योर नोट्स विद मी, लेट मी नो. कल भी मैंने एक अपलोड किया था, अब मुश्किल नहीं कुछ भी ऑन द यूट्यूब चैनल, बट यू गाइज आर फिनोमिनल. आप डेडिकेशन कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो और करते चलो, रिजल्ट विल बी योर्स. चलो आ जाइए आप जीन थेरेपी की तरफ. तो जीन थेरेपी क्या करती है बेटा? वॉट इज जीन थेरेपी? अगर किसी के पास एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी वजह से उस पर्सन का इम्यून सिस्टम काम ना करे, बिकॉज एडिनोसिन डी अमाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर अ फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. विदाउट अ फंक्शनल इम्यून सिस्टम, दैट पर्सन विल हैव सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. टोटल इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. इट इज सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. सो इट वॉज अ ईयर 1990, जानवी पांडे ने कहा है, और 211 पेज नंबर में दिया है. ईयर था 1990, जब एक 4-year-old को सबसे पहले जीन थेरेपी दी गई थी फॉर अ डिसऑर्डर कॉल्ड ADA डेफिशिएंसी, व्हिच लीड्स टू सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. इसके दो तरीके हैं. अगर मैं किसी बच्चे का बी लिम्फोसाइट ले लेती हूं, व्हाट डू आई टेक आउट? बी लिम्फोसाइट, राइट. और उसके पास फिर मैं ADA वाली जीन डाल देती हूं, तो उसकी बॉडी में एडिनोसिन डी अमाइनेज बनने लग जाएगा लिम्फोसाइट्स अगर मैं लूंगी. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? आई वुड टेक आउट द लिम्फोसाइट्स और फिर मैं रेट्रोवायरस के थ्रू, रेट्रोवायरस यहां लिख, सो थ्रू अ रेट्रोवायरस, राइट, और ADA जीन में सेल्स को डाल दूंगी. आई कैन यूज टी सेल्स, आई कैन यूज बी सेल्स टू मेक दी ADA जीन. पर बेटा ये तो तब तक रहेगा जब तक इस टी सेल या बी सेल की लाइफ है. और अगर मैंने ये स्टेम सेल में डाल दिया जाइगोट की कंडीशन में, then it is going to be forever. So it can be forever if I put it in the zygote during the stem cell. Is that clear? Understood? So I give a functional ADA. Bone marrow se cells embryonic stages mein, to ye functional ADA ho jayega. Let's come to those animals which help us understand. Transgenic animals. Animals that have had their DNA manipulated, most common are mice. Yes, कई बार हम इनके, देखो अभी जितने वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, बिफोर ह्यूमन ट्रायल कॉस्मेटिक्स वैक्सीन्स फार्मास्यूटिकल्स हैव टू बी एडेड इनटू दीज एनिमल्स. कैंसर स्टडीज हैव देम. सो ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउस, वेरी कॉमन एग्जांपल इज रोजी. रोजी का डीएनए हमने मैनिपुलेट किया. रोजी काउ को हमने अल्फा लैक्टालब्यूमिन, व्हिच इज अ ह्यूमन लैक्टालब्यूमिन की जीन्स डाल दी. सो रोजी कैन प्रोड्यूस मिल्क, व्हिच इज द ह्यूमन milk which contains alpha lactalbumin. Over 95% of all existing transgenic animals are mice. So hum inse defective parts, biological products lekar, you know, we can study them. So biological products kaise hote hain, right? Human protein alpha 1 antitrypsin jo ki emphysema को क्योर करता है. अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लंग्स को इलास्टिसिटी देता है. सो हम इनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर हम सारे वैक्सीन्स को टेस्ट करते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डेवलप्ड टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी एज इट्स डेवलपमेंट.
We study diseases, cancer, cystic fibrosis, Alzheimer's disease, osteoporosis. ये सारी disease study करते हैं. With freshly grown parts of own cells of transgenic animals, defective parts, हम इनके अंदर valves उगाते हैं, human valves, skin grafting के लिए skin उगाते हैं, bone उगाते हैं. So some examples of transgenic animals are ANDI, transgenic monkey, Rosie, transgenic mice and rabbits. Simple. Yes, don't forget the dropper batch also, guys. This is also a very important batch. And although you may feel कि यार मेरे को आता है, but वो जो teacher आपको guide कर सकता है ना, specially droppers to toppers बनने में बहुत जरूरी है. So don't miss the dropper batch as well. Coming to the last part of this chapter, biopiracy and biopatent. आपको पता होना चाहिए जितनी भी developed countries है ना बच्चों, they are not very very, उनके पास resources ज़्यादा नहीं है. Resources ज़्यादा undeveloped countries में, but उनके पास technology है, तो वो बहुत कुछ piracy में कर लेते हैं. For example, basmati India में होता है, तो वो India से ले गए basmati और उसको एक semi dwarf variety के साथ cross कर दिया. India से basmati ले गए, yes one day में chapter over प्राची. So India से basmati ले गए और उसको एक semi dwarf variety के साथ cross कर दिया और फिर texmati बना दिया. But now we have patents which will prevent other from commercial use of this. They cannot use curcumin. So patents are granted for biological entities and for production. Black pepper ko patent mil chuka hai, basmati rice ko patent mil chuka hai, sarso ko patent mil chuka hai, brassica campestris, pomegranate, turmeric, neem. Is that clear, everybody? So all these things have got really patent. Indian Parliament ne Indian patent act, last line of this chapter on page number 214, Indian Parliament mein Indian patent act ki fourth amendment bhi kar di hai, so that people cannot patent India's ancestral knowledge. Bio war, highly infectious pathogens ke spores, टॉक्सिन्स अगर ह्यूमंस के खिलाफ, क्रॉप्स और एनिमल्स ऑफ एनिमल कंट्री के खिलाफ यूज किए जाए. फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई स्पोर, एंथ्रैक्स. और अगर ये किसी बॉम्ब से, किसी एरोप्लेन से डाल दिया जाए किसी दूसरी कंट्री में, यू कैन इमेजिन, यस कोरोना, व्हाट कोरोना इज डूइंग, व्हाट एंथ्रैक्स इज डूइंग, राइट? It is the biggest scare to mankind. Spray and powder are two common forms in which the bioweapon agent is delivered. I don't think so. आज के बाद किसी को भी bio war बताने की ज़रूरत है, because people who are living through right now know very well we are living through a crisis. You know, when it comes to on the face of humanity, is it not? So with that one short biotechnology and its applications over, surprise test का syllabus मैंने बता दिया है. Ecosystem आपको पता है. Quickly फटाफट से MCQs कर ले. Let's do some MCQs. What say? चलिए फिर आ जाइए. So all that you have to do is 9143593. One short lecture. Yes. Yes, Gian. चले भी बच्चों, स्टार्टिंग इन 5, क्विक क्विक क्विक. Charlie, starting in 5, starting in 4, starting in 3, starting in 2, starting in 1,
and we start the countdown. Question number one on your screens right now. Array, NCERT line. Come on. This is like the easiest question on planet Earth. Are wah, chunu munus. Gene therapy, next one. Love side, Nikita, Viola, okay, Shirin, Likita, Kunu, Dagrama, Sonali, Siegel, Divya. Thanks, Divya. Chali, agla sawal. Let's quicken up the pace. Question number 2 of 5. The maximum number of existing transgenic animals is of. Sabse zyada transgenic animals kiske hain? Ye bhi bada hai, fish, mice, cow, pig. Confuse mat ho jana. चलिए माइस यस इजी Nikita, Viola, Agrima, Likita, Shireen. Viola, top the class. I will set you up. Top it. Let's see if you come on the top. I think this time it's Viola on top. Yes! Likita, Omkar. Fastest, Shireen. Nandini, let's crush it. Shraddha and Shireen. Awesome, blossom. Question number 3. The process of RNA interference has been used in the development of plant to resistant to insects, nematodes, fungi, viruses. RNA interference किसमें यूज किया था? इंसेक्ट में, नेमेटोड में, फंगस में, वायरस में, किसमें? स्पीड अप यू कैन इजीली डू दिस. वेरी नाइस. Nematodes, Meridogyne, Incognita, Nikita, Viola, Agrima, Phoenix, Shivi, Shraddha, Shirin, Madhura, Bill, and Dharshini. Viola, come on, Viola. Let's see who all wants a t-shirt. Come on, kids. Question number 4. The first ever human hormone produced by recombinant DNA technology, progesterone, estrogen, insulin. Progesterone, insulin, estrogen. Easy peasy, lemon squeezy. And we move on to the next question. 3, 2, 1, and we go. Insulin. And last but not the least, Nikita, Shireen, Shivi, Madhura, Bill, Viola, where are you? Darshini, Shraddha, Omkar, Zainu, Iram. Awesome. Lovely, Shirin, you're the fastest, doing well. Chaliye, Monday ko to 100 questions aa rahe hai, shaam ko kaun aa raha hai? Who's coming in the evening? Tell me now. For the mega plant morpho quiz. PDF notes aapko description box mein download ho jayenge. BT cotton, protoxin due to alkaline pH, acidic pH, presence of... conversion factors of the action of gut microorganisms. What is it? Chaliye. Easy peasy. Alkaline pH. Let's look at the final leaderboard. Shirin, Shivi, Omkar, Bill, Zainu, Phoenix, Agrima, Viola is back in the game. Avnish and me. Shirin. Awesome.
awesome. Proud of you. Guys, t-shirt waiting for you for sharp 5 o'clock wala jo session hai plant morpho ka. Dekhte hain botany kaun top karta hai. There's a t-shirt waiting for you. Cool? Ta-da. See you in the next class. Till then, take very good care of yourselves because you truly, truly deserve to be doing good for yourselves and your parents, isn't it? So all the best. I'm going to be seeing you sharp at 5 o'clock in the evening. Till then, ta-da. Bye-bye. Khuda hafiz. Bye, bachcho.